आशीर्वाद है जो मुझे इतने कम वक्त में मुझे वो इतना प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है। और मैं बस यही आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये फिल्म जो काजल है बाखूबी से मैं ये रोल को निभा पाऊँ और आप सबको बहुत अच्छी लग रही है। ब्रिज जी की बात मैं ये बताऊंगी कि मेरी मामा जब पहली बार भोजपुरी फिल्म में आई थी तो उन्होंने ही उनके अंडर फर्स्ट फिल्म की थी और मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ब्रिज जी ने एज हीरोइन अपनी फिल्म में कास्ट किया है। और हमेशा से मेरा ये एक रहा है कि जो भी दिग्गज डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं मैं उनके साथ काम करूँ, उनसे बहुत कुछ सीखूँ। तो बस एक आशीर्वाद मिला है और आदित्य जी के साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मेरे सीनियर हैं। तो बस मैं ये उम्मीद करूँगी कि अब तक की जैसे मेरी जिनके साथ भी फिल्म आई उनके साथ आपने जोड़ी बहुत ही उन्हें पसंद किया है तो उनके साथ भी जोड़ी मेरी पसंद। काजल क्या है? काजल एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, महिला प्रधान। हमेशा की तरह जैसे मैं पिछले दिनों में जो भी फिल्में बनाया हूँ उसमें अक्सर महिलाओं का स्थान ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है। और ये फिल्म काजल जो है जो हमारे AR डिजिटल एंटरटेनमेंट के तहत बन रही है, जिसके निर्माता हमारे आदिल साहब हैं। ये फिल्म वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है और महिलाओं को प्रधानता दी गई है। हमेशा की तरह जो पिछली हमारी सारी फिल्में आई हैं वो सब में महिलाओं का विशेष ये रहता है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्में ही ज़्यादा बनाया हूँ। तो काजल भी वन ऑफ दैट उसमें से एक है। काजल एक लड़की का नाम है एंड फॉर्चुनेटली काजल यादव इस रोल को कर रही हैं, तो काजल भी और हीरोइन भी काजल है, इसीलिए मैंने कहीं कहीं दिया भी है एडवर्टीजमेंट में कि काजल एज एन इन काजल। प्रोड्यूसर जी, नाम तो कुछ भी रख सकते थे आप, काजल के बजाय पूजा मंजू नाजिया कुछ भी रख सकते थे, काजल नाम क्यों रखा? देखिए काजल एक ऐसी चीज़ है कि ये समझिए तो जरा सा लग जाए काली, काजल काला होता है और काजल ऐसा है कि अब जरा सा लग जाए तो तिल का काम करता है, ब्यूटी बन जाती है, आँखों में जाए तो और भी हुस्न बढ़ जाता है और यही पूरे मुंह पे लग जाए तो कालिक हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल काजल रखा है कि कहानी भी कुछ इस तरह की ही है, जो मैं विशेष तौर से कहानी के बारे में तो ज़्यादा बताऊँगा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है इसमें। आदित्य मोहन जी इसमें बड़ा ही चैलेंजिंग रोल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम हीरो हैं जो चैलेंजिंग रोल करते हैं, जैसे कि हमारे शाहरुख साहब ने किया था, शाहरुख खान ने डर फिल्म की थी, तो डर फिल्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि उस फिल्म को कई लोगों ने इग्नोर कर दिया था और ना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आदित्य जी हमारे सानिध्य में पहले भी कई फिल्में किए हैं, सानिध्य क्या है हमारे डायरेक्शन में फिल्में किए हैं, तो ये इनमें वो बोल्डनेस है और वो वैसा इनका वो क्या बोलते हैं ग्रूम अप किया गया है कि ये हर तरह का रोल करने के लिए तैयार रहते हैं और इसमें हीरो हैं, फिल्म के नायक हैं और नो डाउट कि बहुत ही चैलेंजिंग रोल है जो इन्होंने स्वीकार किया है और बहुत ही अच्छा करेंगे। आदित्य एक महिला प्रधान फिल्म क्यों चुनी करते हैं? सर इसके पहले सबसे पहले सब किसी को हर हर महादेव। और देखिए एक एक्टर को बेसिकली ज़रूरत होती है वो परफॉर्मेंस कितना निमन देता है, ये पर डिपेंड करेगा। महिला प्रधान फिल्म की अगर बात करी जाए तो इससे पहले हम सर के संग विजयनी कही नहीं, और विजयनी टाइटल साथ में गुंजन कपूर जी रही, टाइटल वो फीमेल वांटेड टाइटल हुआ, पर परफॉर्मेंस करने को उसमें अच्छा मौका मुझे मिला, हिंदी फिल्म थी और फिल्म डी डी पे टेलीकास्ट होके वाला बा, तो एज अ परफॉर्मेंस वाइज फिल्म में बहुत कुछ करने को मिलता है। फीमेल वांटेड सब्जेक्ट है पर मेल के लिए काम ज़्यादा है, और कॉन्सेप्ट भले ही सर का वैसा फीमेल वांटेड है, मुझे कॉन्सेप्ट सुनकर अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ करने के लायक है। और सब तो अपने हर फिल्मों को फीमेल ओरिएंटेड बताते हैं, बस सेट पर जाने के बाद मुझे लगता है एक काम मेरे लिए ही ज़्यादा है। मैंने इससे पहले मोहब्बत के सौगात किया, वही फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, जब प्रोमो देखा और जब ऑडियंस से फिल्म देखा तो नो डाउट लोग पता, फिर उसका विजयनी भी मुझे अच्छा लगा, फिर उसका करब भी या कचहरी में, और इसके बाद ये काजल करने जा रहा हूँ,
तो कीप ब्लेसेस। उम्मीद करता हूँ कि सर के साथ आजीवन ऐसे ही सर के डायरेक्शन में काम करते रहें और मज़ा आते रहे। और आदिल सर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कास्ट किया, उन्होंने रेडी किया मुझे इस कैरेक्टर करने के लिए। और सर तो बहुत दिनों से मुझे सुना रहे थे स्क्रिप्ट, तो फाइनली आई एम डूइंग दिस और मज़ा आएगा करके मुझे। मुलाकात हो गई उनसे, अभी कैसे बताऊँ कैसे भी, बस हो गई मुलाकात। मूड था एक फिल्म बनाने का, वो इनको लेके बना रहा हूँ। मैंने भी मुलाकात के बाद नहीं, पहले से सोचा था मैं, और सोचता भी रहा कि कभी लाइफ में ये करूँ, फिल्म बनाऊँ। वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया, बना रहा हूँ। उसकी वजह है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वो ज़बान हमारी अपनी है, तो हमने सोचा कि इस तरह की एक फिल्म बनाई जाए। मैंने कहानी सुनी, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ फेरबदल किया गया है, सारे लोग बैठे और फेरबदल किए, उसे सही किया गया है। बहुत सारी फिल्में देखी लेकिन नाम मत पूछिए ना। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग के बाद शूटिंग हो रहा है। कौन गीतकार हैं, संगीतकार हैं, क्या फिल्म है, स्टार कास्ट कैसा? संजय भूषण पटियाला के सभी चाहने वालों को नमस्कार। हमारे बाजू में मेरे दीदी खड़ी हैं, देखिए कितनी खूबसूरत हैं। डॉक्टर रंजू सिन्हा जी कई फिल्में लिख चुकी हैं और हमेशा साफ सुथरा फिल्में लिखती हैं। इधर देखिए दुबे जी खड़ी हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आज जो फिल्म का नाम है काजल, और उस फिल्म की हीरोइन भी काजल है। फिल्म का निर्देशन हमारे, सैकड़ों फिल्म निर्देशन कर चुके ब्रजभूषण जी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने सुना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से। फिल्म के अभिनेता आदित्य मोहन जी हैं, दिलीप जी फिल्म में पिताजी का रोल कर रहे हैं। फिल्म में माता का रोल हमारे फेमस एक्ट्रेस माया यादव जी हैं, वो कर रही हैं। जैसा कि आप लोग मालूम है, मैं बरसों में खड़े हैं और ये इंटरव्यू में दे रहा हूं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बूम लगा हुआ है, और अंदर प्रियंका सिंह का गाने रिकॉर्ड चल रहे हैं, जिन्होंने एक गाना गाया था वो सुने होंगे, छलकत हमरो जवानिया ए राजा, लेकिन मेरा जवानी भी छलक नहीं रहा है। ठीक है, तो संजय जी आज खबर आई है कि आप प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, अभी खेसारी जी के साथ फिल्म करने वाले हैं, कितने उत्साहित हैं इस बात को लेकर? क्योंकि खेसारी जी ने कहा है कि अमिताभ जब अपने मेकअप मैन के लिए कर सकते हैं फिल्म, तो संजय भूषण के लिए मैं क्यों नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है, कर हर आदमी को ऐसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी का सपना होता है कुछ और एक्स्ट्रा करें, तो मैं पीआर भी करूँगा और प्रोड्यूस भी करूँगा, जिसमें हमारे बड़े भाई, हमारे सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म में हमारे साथ रंजन सिन्हा जी, जो बहुत हमारे बड़े भाई गुरु जी हैं, और ये फिल्म 2019 में बनेगी, और इसके अधिक जानकारी 2019 में जनवरी में दिया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही है कि फिल्म का पोस्ट बोलते हैं कहानी भी बन रही है, गाने लिखे जा रहे हैं, जब पूरे हो जाएंगे तो बाकी की जानकारी आपको दी जाएगी। और रही अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन जी जब बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो हमारे अभिनेता सुपरस्टार खेसारी लाल के उन्हें अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गुजरात में कुछ पीड़ित लोगों के जो बच्चे थे उनको गोद लिया है। और भी कई ऐसे हमेशा हर महीने दो महीने पर ऐसा काम करते रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, हर लोग उनको टोकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो कुछ आगे बढ़ने वाले लोग जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं गरीबों को, असहायों को, तो उनको हर लोग सपोर्ट करता है। जी सर बताइए। संजय जी सवाल ये है कि खेसारी लाल को आपने कैसे मनाया कि आप प्रोड्यूस करोगे और खेसारी लाल उसमें अभिनय करेंगे? आपने अप्रोच किया है, खेसारी लाल ने खुद कहा कि संजय आप प्रोड्यूसर बन जाओ, मैं आपके प्रोडक्शन में काम करूंगा? एक्चुअली ये वाकया जो हुआ था उसका पूरा जानकारी भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि गुप्त रखा गया है। उसमें खेसारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बस इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभी उन लोगों का नाम पीछे से ही रखा गया है, बोला गया अभी मार्केट में मीडियम नहीं देना है। और कुछ फिल्म में आपके हीरोइन कौन होगी, इसे डायरेक्ट कौन करेगा? इस फिल्म की शूटिंग 25 दिन चलेगी, और आप लोगों को जानकारी तो चलो एक न्यूज़ में दे ही देता हूँ, इस फिल्म के डायरेक्टर भी 25 होंगे, हर डायरेक्टर एक दिन शूटिंग करेगा। किस तरह की फिल्म होगी, मतलब अच्छी फिल्म होगी ना ये?
संजय भूषण पटियाला बना रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनेगा। फिल्म में आठ गाने होंगे या 10 गाने होंगे, हर गाना एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा, एक लीड राइटर होगा। फिल्म में हीरोइन कितनी होंगी और कौन होंगी? 25 नहीं, उसका 25 और 22 से मतलब नहीं, जो स्टोरी का डिमांड होगा उतनी हीरोइन होंगी। अभी कहानी जब लिख लेंगे तो वो बताएंगे। बजट कितना होगा फिल्म का? बजट 2.5 करोड़ के आसपास आएगा। तो पीआरसी में फिर ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा? मैं पीआरसी में हमेशा करते रहूंगा, उसमें वो नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहाँ से मैं खड़ा हूँ उसको क्यों छोड़ूंगा भाई? वहीं से 2019 क्यों चुना संजय जी? क्योंकि इस साल आपकी शादी होने वाली है। 2019 में बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी का राज चल रहा है और हमारे राहुल गांधी जी को देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। 36 का आंकड़ा चल रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, तो मैं सोचा चलो मैं भी उसी में कर ले रहा कुछ जाता हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हीरोइन का नाम क्यों नहीं बता रहा है? हीरोइन का तो नाम बताइए, पांच बार पूछा गया। अभी क्या है, हमारे बहुत सारे हीरो हीरोइन क्लाइंट है, ठीक है? अब एक हीरोइन का नाम बताऊंगा तो सारी हीरोइन भाग जाएगी, इसलिए किसी जगह नहीं बता। थैंक यू। जी काजल बहुत अच्छी फिल्म है और जैसा मैंने स्टोरी पढ़ा है तो मुझे पसंद आई है और मैं मनोकामना करूंगा कि ये काजल जी की फिल्म चले। और काजल एक बहुत ही ये नाम के ऊपर है इसलिए कुछ अलग होगा इसमें। जी मैंने मूवी किया आज़ाद परिंदे, अभी हमारा शूट चल रहा था गोरखपुर में और बहुत ही अच्छी फिल्म है, पूरा एक्शन मूवी है। और हमारे साथ हमारे अपोजिट प्रमोद प्रेमी जी हैं और बहुत अच्छी पिक्चर है और गाने उसके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है भोजपुरी में जो गाने के महत्व तो हैं वो उसमें समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है। जी मैं अपना एक गाना गाता हूँ, अभी मेरा एक एल्बम आया था पागलपन, तो दर्शकों ने बहुत प्यार दुलार दिया तो मैं वो गाना गा देता हूँ एक लाइन। हमसे बेवफाई कैलू गैली पगलाई, जाने दीवाना पागल खाना में भेटाई, पागल आवारा मजनू सब ही बोलावेला, तोहरे सुधीरावा के सब गरिया वेला, कम नहीं करे अब कवनो दवाई, हमसे बेवफाई कैलू, हमसे बेवफाई कैलू गैली पगलाई। जा जी ऐसा कुछ तो खास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। जी थोड़ा बहुत हुआ है। कब हुआ था? जी पढ़ाई के पीरियड में हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय हुआ और मैं हाई स्कूल पास करके संगीत लाइन में आ गया और मैं बनारस आ गया, मैं तैयारी करने लगा और म्यूजिक से मैंने एम यूज किया है, म्यूजिक से मैंने एल फिल किया है, पढ़ाई किया है मैंने। तो और गाना चाहते हो? गा देता हूँ। हरे मायनपुर भैरो बाबा, मायनपुर भैरो बाबा रहा न कोई बाकी हो, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। उम्र तो कम है बट क्या उम्र से हम लोग खूब सीखने का कोई उम्र नहीं होता और हम लोग अभी भी सीख रहे हैं और सीखते सीखते फिल्म बना रहे हैं। एक्चुअली एआर डिजिटल एंटरटेनमेंट जो एक काजल का एक टाइटल जो हमारा काजल है, काजल एक्चुअली एक जो यंग लड़कियां हैं उनके अत्याचार हो रहा है उनके उनके ऊपर फिल्म बन गई है। पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी 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 मैं बहुत फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ बट ब्रिज जी है और आदित्य मोहन है, काजल जी हैं, इन लोग को बहुत सारी फिल्में की बट मैं पहली बार कर रहा हूँ और इन लोग का सपोर्ट है तो मैं आगे और कर सकता हूँ। थैंक यू।
समाज में जो नारियों को थोड़ा नीचा दिखाते हैं या छेड़छाड़ बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं, तो इन सब को लेके शायद ये सब्जेक्ट है। तो मुझे नारी क्या है, नारी के बारे में क्या धारणा पहले रही है, क्या आज बदलाव आया है, तो नारी आज क्या क्या कर रही है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें गाना लिखने के लिए बोला गया था।
तो मैंने गीत लिखे हैं और अभी रिकॉर्ड हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मोहन राठौर जी ने गाया है, यश कुमार म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और गाने का बोल है, बिटिया बा सबला अबला ना बोझ रे, आइल नयका जमाना अब सोच भइल सोझ रे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैंने लिखा है, अब देखिए पब्लिक को क्या है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने लिखा है, और जब भी मैं कोई भी मूवी के गाने मिलते हैं, जैसे भूषण जी का एक और भी फिल्म मैं कर रही हूँ जीतिया एगो विश्वास, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉन्ग लिखते हैं। सिनेमा है तो उसमें हर तरह के गाने होते हैं, आइटम वगैरह भी होते हैं, सब होते हैं। तो लिखते वक्त मेरा ये ख्याल होता है कि हम वल्गर ना लिखें, चुटकीले शब्द हो, क्योंकि सिनेमा है, रामायण नहीं है, तो वो अश्लीलता से थोड़ा दूर हो, वो सब नहीं हो, ये मेरी कोशिश होती है। हाँ, वो हमने एक फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की थी, मलेशिया में पूरी शूटिंग की थी, और माइथो फिल्म थी, जय हो जगदम्बा माई, जय हो जगदम्बा माई, सुदीप पांडे हीरो थे उसमें, विलन गिरीश शर्मा जी थे और डायरेक्टर थे राज वर्मा जी। तो वो फिल्म पूरी की पूरी शूटिंग मलेशिया में हुई, वहाँ पे इसलिए हमने शूट की थी कि लोकेशन कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और साउथ इंडियन मंदिर वगैरह बहुत है, तो जनरली यहाँ पे शूट करते तो कहानी जो भी हो, गाने जो भी हो, बट लोकेशन वही मिलता। तो जब चेंज के लिए हमने बाहर किया, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो थैंक यू सो मच सब रंग जिन्होंने ट्रॉफी दिया मुझे। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिन्हा है और मैं काफ़ी दिनों से फिल्में में हूँ। ये फिल्म जो काजल है, इसके निर्देशक ब्रजभूषण जी हैं, और मुझे पता नहीं था, एक दिन उनका फ़ोन आया कि साहब आप एक रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि करेंगे, लेकिन मुझे बताइए कहानी क्या है। जब उन्होंने कहानी बताई तो मैं स्तब्ध रह गया। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो ना, कहते हैं ना, जैसे ना उगलते बनता है ना निकलते बनता, क्या करूँ, उस पेशोपेश में एक चौराहे पर आके खड़ा हो जाता है। और एक्चुअली है ये फिल्म वुमन ओरिएंटेड, अब उसमें उसकी बेटी का सवाल पैदा होता है कि क्या करिए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। एक आदमी उसको चीट कर रहा है, दूसरा उससे प्यार करता है, अंत में वो फैसला लेती है कि जो मुझसे चीट कर रहा है उसको समाप्त कर देना चाहिए, तो खुली हवा में आज़ाद होकर जीना चाहिए। तो मैं एक ऐसे बेटी का बाप का रोल कर रहा हूँ, बेटी के बाप का रोल कर रहा हूँ, जो आज़ाद ख्याल की तो नहीं है, लेकिन बाद में बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है, और जब इंडिपेंडेंट होती है तो सबसे एक अच्छा सबक सिखाती है। एक ये जो फिल्म है जिसका नाम है काजल, वो काजल, हाँ सर, काजल लगाना तो मेरा काम नहीं है, काजल तो अभी जो उसकी महिला कलाकार हैं वो लगाएंगी। हाँ, काजल लगाने के लिए नहीं, काजल देखने के लिए, हमारे लिए काजल देखना बहुत अच्छा लगता है, तो जो लगाए ना, मैं टेंशन फ्री आदमी हूँ, इसलिए मुझे काजल वाजल की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे काजल देखना अच्छा लगता है। हाँ, मेरे इस फिल्म में इसमें एक बड़ा ही सशक्त अभिनेता है जिसका नाम है आदित्य मोहन, वो उसमें एक मुख्य किरदार कर रहा है, और काजल के साथ, हाँ ये मैं बताना भूल गया, काजल इस फिल्म में जो रोल कर रही हैं वो हमारी पुरानी अभिनेत्री हैं माया देवी, माया यादव जी की वो बेटी हैं, और माया जी के साथ तो मैं पहले बहुत फिल्में कर चुका हूँ, ये पहली फिल्म है जो मैं काजल के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी सक्षम होंगी इस काम को करने के लिए, और उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा, उम्मीद है कि काफ़ी सशक्त अभिनय करेंगी। देखिए भोजपुरी की स्थिति में क्या है, मैं अभी इसे मैं क्या कहूँ, कभी लगता है कि ये मोनोपोली हो गई है, जो हमारे सितारे हैं उनकी मोनोपोली हो गई है, और कभी कभी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की मोनोपोली हो गई है, वो जो चाहते हैं वही करवाते हैं, और हम कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्यों अपने दुश्मन पैदा करूं यार, पर मैं तो एक सहकलाकार हूं बस, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकते हैं। हम कितने लोग आए, कितने लोग बोले, कोई सुनने को तैयार है क्या, कोई किसी की बात को मानने को तैयार है क्या, एक कोई रेजुलेशन है ही नहीं हमारे भोजपुरी सिनेमा के अंदर, होना चाहिए, लेकिन बस एक भेड़ चाल है, प्रोड्यूसर निर्माता हीरो को साइन करता है, हीरोइन को साइन करता, कल हमारा सिनेमा तब बन गए, हीरो साइन हो गए, बयान से स्टोरी चल, शूटिंग चल, ऐसे सिनेमा नहीं बनता है। सिनेमा बनाने के लिए एक डिवोशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तन मन धन सब, तब जाके सिनेमा बनता है। सिनेमा खाली वो
इस तरह के चालू गाने वाने बना करके, दूसरा ये जो गाना आजकल बनता चला आ रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो ये गाना बनता चला रहा, पिछले भी चलता आया है, जो इतना विभत्स कर दिया है, इसके स्तर को इतना गिरा दिया है कि साथ में किसी को बैठ के सुनना भी नहीं अच्छा लगता। मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी हम लोग काजल का गाना सुन रहे थे, इसमें एक भी अपशब्द, एक भी ऐसी कोई बात नहीं सुनने में आई है। जो जी लिखती नहीं लिखती वो मैं नहीं जानता उनके बारे में, मैं इतना जो अभी सुना हूँ उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। वो उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा, कर्णप्रिय, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो गाने इस फिल्म के अच्छे हैं, ये बात, इस बात का वादा। सिंगर के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, सिंगर तो बेचारा गरीब आदमी हो, जो उसको देता है लिख करके वही गा देता है। ये बात तय होता है संगीतकार और निर्माता के बीच में कि क्या गाना होना चाहिए, कैसे चीप गाने बनाए जाए कि ऑडियंस चल के आए एल्बम बना करके और लोगों को हॉल में फ्रेंच बल्टों को बिठाया जाए। अरे थोड़ा स्तर को बढ़ाइए और अच्छे लोग आएंगे, अच्छे गाना, अच्छा संगीत होगा, भोजपुरी। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.